तो चलिए फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे दांतों के बारे में। मनुष्य का दांत एक ऐसा चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे शरीर और हमारे पाचन तंत्र में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए हमारे दांत या बोल सकते हैं मनुष्य के जो दांत होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फेस के डिजाइंस पर, हमारे फेस के आकार और बोलने के लिए ये दांत बहुत उपयोगी होते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दांत अगर नहीं होता है तो हम उसे क्या करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को जिनके दांत नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए बूढ़े लोग और बच्चे जो बहुत ही क्यूट दिखते हैं, वो जब बोलते हैं तो वो कोई बात को कैसा बोलते हैं, कैसे करते हो, क्या करते हो, ऐसे बातों का यूज करते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये हमारे दांतों के द्वारा होता है। तो दांतों का क्या रोल है हमारे लाइफ में और किस तरह से ये जो दांत हैं ये वर्क करते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि किस जीव में 14,000 दांत पाए जाते हैं और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके दांत को लगभग 22 लाख रुपए में बेचा गया था। इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए दांत जो है ये मनुष्य का एक ऐसा अंग है जिसका उपयोग हम लोग खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। खाने को काटना है, चीरना है, फाड़ना है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है, तो दांत का उपयोग तो लाजिम ही है। बिना दांत के हमें कोई भी चीज़ काटने में या जो हम खाते हैं उसे फाड़ने में बहुत परेशानी हो सकती है। यदि हमारे पास दांत नहीं रहे तो हम हो सके कि एक तरह से हम पैरालाइज हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बातों को रखने में भी दांतों से बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए दांत जो है इनका निर्माण मुख्य रूप से दो प्रकार की चीज़ों से होता है, पहला इनेमल और दूसरा डेंटाइन। देखिए इनेमल जो है ये दो तत्वों से बने हुए हैं जिसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम फास्फोट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोट जो है ये हमारे शरीर का सबसे ताकतवर तत्व माना जाता है। बहुत सारे लोगों में लगभग भारत में 70% लोगों में कैल्शियम की कमी होती है। इसी के कारण अधिकतर केसेस में यह देखा जाता है कि दांत जो होते हैं वो समय से पहले टूट जाते हैं या फिर दांतों में खराबी आने लगती है। डॉक्टर्स आपको हमेशा, डेंटिस्ट हमेशा आपको बोलते हैं कि दांत के लिए आप कैल्शियम खाइए, कैल्शियम का उपयोग करिए। देखिए कैल्शियम के बहुत सारे टैबलेट आते हैं जिसे रेगुलर खा करके हम अपने कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। देखिए जो भी डॉक्टर्स या जो भी ऐसे बोल सकते हैं एक्सपर्ट जो दांतों के ऊपर रिसर्च करते हैं या दांतों के लिए वो लोग अपना आपको बोल सकते हैं कि एक तरह से चिकित्सक बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो इस पूरे अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। देखिए फ्लोरीन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। यदि फ्लोरीन और कैल्शियम की कमी, ये दो चीज़ हमारे दांतों के संपर्क में या फिर हमारे दांतों के साथ किसी भी तरह से ये संपर्क में आती हैं तो ये हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। यदि फ्लोरीन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो इससे हमारे दांत टूट सकते हैं, इसलिए फ्लोरीन को जहर माना गया है दांतों के लिए और बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए हमारे घरों में या बोल सकते हैं मनुष्य जीव में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आयु 12 वर्ष से कम होती है उनके बॉडी में या बोल सकते हैं उनके मुंह में दांतों की संख्या 20 होती है। यह दांत जो होता है इन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, क्योंकि यह दांत 12 वर्ष के बाद तक टूट जाती हैं और इन दांतों में जो होता है एनिमल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह दांत ज़्यादा सफ़ेद और अधिक बोल सकते हैं कि कोमल होते हैं। ये दांत एक समय के बाद इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि जो नए दांत आते हैं इनका बदलाव जो होता है ये कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए मनुष्य का जो वयस्क लोगों का दांत है ये इसकी संख्या 32 होती है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि मनुष्य का जो दांतों का चक्र है अर्थात मनुष्य में दांतों की जो पूरी चक्र प्रणाली है ये टोटल 52 होती है। 52 टीथ को लेकर के हम अपने पूरे जीवन काल में चलते हैं जिसमें 20 दांत जो है वो हमें 12 वर्ष की आयु तक में मिल जाता है और इनके टूटने के बाद इनके स्थान पर अन्य 32 दांत आते हैं। देखिए हमारे दांतों को मेडिकल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कृतंक, रदनक, अग्रचर्णक और चर्वनक। देखिए ये चारों दांत जो होते हैं ये एक वयस्क बोल सकते हैं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट व्यू बता देता हूँ कि हमारे सभी दांत का अलग अलग कार्य होता है, जिसमें कृतक अर्थात इंसीजर का जो काम होता है ये भोजन को काटने में होता है। अधिकतर केसेस में देखे होंगे कि जब भी बच्चे कभी मान लीजिए झगड़ा करते हैं या लड़ाई होता है या कभी ऐसा मौका आता है जब लड़ना होता है और वो नहीं सकते तो क्या करते हैं,
अपने आगे वाले दांतों का उपयोग करते हैं किसी चीज को काटने में। मान लीजिए आप बच्चे से झगड़ा कर रहे हैं, वो आपसे नहीं सक रहा है, तो कहीं कहीं वो दांती काट लेता है। तो दांती काटना या फिर किसी चीज को आगे से काटने के लिए हमारे आगे के चार दांतों का उपयोग होता है, जो हमारे नाक के जस्ट नीचे होता है। और ये जो नाक के जस्ट नीचे होता है, इसे नोज टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल 8 होती है और ये अधिकतर भोजन को काटने में होता है। आप किसी भी चीज को खाते हैं, जब उसको काटना पड़ता है तो यही आठ दांत जो होता है आपको हेल्प करता है। अगला जो है वो है केनाइन, जिसे रदनक कहते हैं। देखिए, केनाइन का मुख्य उपयोग होता है भोजन को फाड़ने का। जब भी आप कच्चे फल खाते हैं या मीट खाते हैं या ऐसे चीज जिन्हें फाड़ने की आवश्यकता होती है, तो उन चीज़ों में हमारे केनाइन दांत जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। इसको ज़्यादातर आप मांसाहारी जीव में देखते होंगे, जैसे कुत्ते हो गए, शेर हो गया, बाघ हो गया, इनके बोल सकते हैं जबड़ों के पास ये दांत पाए जाते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे हॉरर मूवी देखे होंगे जिसमें चुड़ैल होता है, वैम्पायर्स होते हैं, जॉम्बीज होते हैं। इनके देखिएगा, इनके जबड़ों में, खास करके इनकी जो बनावट होती है, जब इन्हें कलाकार तैयार करते हैं तो उनके जबड़ों का ये भाग जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, केनाइन को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि मांसाहारी जीव में केनाइन दांत जो होता है वो बहुत लंबा होता है। अब देखिए, ये जो होते हैं संख्या में टोटल 4 होते हैं और इन्हें आई टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो बोल सकते हैं स्टेबली है, या बोल सकते हैं ये जिस जगह पे स्थित हैं वो हमारे जस्ट आँखों के नीचे, आप इसको देख सकते हैं, एकदम इसके नीचे जस्ट पाया जाता है, इसलिए मेडिकल भाषा में इसे आई टीथ भी कहा जाता है। ये देखिए, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। देखिए, अगला जो दांत है ये है प्रीमोलर, जिसे हम अग्रचर्वणक कहते हैं। अर्थात इस दांत का मुख्य उपयोग होता है भोजन को चबाने का। बच्चों में ये दांत नहीं पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु में ये दांत बच्चों में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होता है। उसके बाद इस दांत को चिक टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जस्ट गालों के समीप होता है। साथ ही साथ इसकी कुल संख्या 8 होती है, जिसमें 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, ये दोनों भाग में होता है। उसके बाद जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दांत है, ये है मोलर। देखिए, मोलर जो एक ऐसा दांत है जिसका काम होता है भोजन को चबाना, किंतु यह एक ऐसा दांत होता है जो एक निश्चित आयु के बाद हमें प्राप्त होता है। अर्थात जब हम 20 से 22 वर्ष की आयु में होते हैं, तब इसका जो तीसरा क्रम है, मतलब ये टोटल 12 होते हैं, जिसमें 6 नीचे और 6 ऊपर होते हैं, तो जो 6 भाग होते हैं, जिसमें 3 भाग नीचे और 3 भाग ऊपर, फिर 3 भाग नीचे और 3 भाग ऊपर जो होता है, टोटल हो गया 12। तो ये जो 12 होते हैं, इसमें से एक एक भाग जो होता है, अर्थात जो सबसे पीछे का दांत होता है, वो 22 से 24 वर्ष की आयु में हमारे बॉडी में डेवलप करता है। इस दांत को विजडम टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह दांत, ऐसा कहा जाता है कि यह दांत आपको एक वयस्क चक्र के दौरान प्राप्त होता है। मतलब जब आप नवयुवक बनते हैं, एक नौजवान के रूप में आते हैं, या बोल सकते हैं कि आपका बॉडी 22 से 24 की आयु में पहुंचता है, तब ये दांत आपके बॉडी में निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे सभी दांत जो होते हैं वर्क करते हैं। देखिए, हमारे मोलर दांत की कुल संख्या 12 होती है, और इसमें से आप एक बात ये भी जान लीजिए कि बच्चों में इसका जो थर्ड दांत होता है, या बोल सकते हैं जो तीसरा रूप होता है, क्योंकि ये तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से 3 इधर, 3 इधर, 3 ऊपर, 3 ऊपर साइड साइड में होते हैं और 3 नीचे नीचे होते हैं, तो ये जो तीसरा जो लास्ट वाला है, तो ये नहीं होता है। अर्थात बच्चों में यह संख्या कम होती है, क्योंकि जब वो 22 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं, जब भी कोई मानव शिशु 22 वर्ष की उम्र में पहुंचेगा, तब वो दांत उसका होना शुरू होता है। इसीलिए बहुत चांस में देखे होंगे आप ऐसा, कि जब तीसरा दांत आता है, या बोल सकते हैं जब ये दांत आता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, जितना भी गाल होता है ये फूल जाता है, इसके लिए हमें पेन किलर का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये दांत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बात आता है कि दांत की बनावट। देखिए, हमारे दांत जो है ये हमारे मसूड़े से जुड़ा हुआ है, और हमारे मसूड़े जो हैं वो दांतों के एनेमल वाले भाग को कवर अप करके रखते हैं। इसका काम होता है दांत में फंसे हुए खानों को हटा करके वहाँ सुरक्षित रखना। बहुत जगह पर आप देखे होंगे कि एनेमल की कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और साथ ही साथ कैल्शियम से दांत का जो रंग होता है वो अलग होने लगता है। बहुत केसेस में आप ये भी देखे होंगे कि आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि जब भी आप कभी दांत का ट्रीटमेंट करवाते हैं, खास करके जब आप दांत निकलवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि ये दांत का जो पूरा सिचुएशन है ये हमारे आँखों और दिमाग से जुड़ा हुआ होता है।
कई बार दांतों के दर्द इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इसके बिना रह नहीं सकते हैं, आपके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है, आप कुछ भी सोच नहीं सकते हैं, आपको अच्छे से खड़ा नहीं रहा जाता है, इतना ज़्यादा पेन होता है दांत में। और दांत में पेन होना अर्थात आपके जितने भी कोमल भाग है, देखिए मसूड़ा जो है हमारे शरीर का सबसे कोमल भाग होता है, तो जब ये पेन से बहुत ज़्यादा कराहता है या जब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड बढ़ जाता है तो ये पेन होना शुरू होता है। और हमारे दांत के अंदर जितना भी मात्रा में डेंटल है या बोल सकते हैं डेंटाइन है, ये जब स्वेलिंग करता है, ये या बोल सकते हैं इसका जो भाग होता है वो जब स्वेलिंग करना शुरू हो जाता है तो हमारे बॉडी में खास करके हमारे जबड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको अधिक मात्रा में कैल्शियम की दवाइयाँ या कैल्शियम युक्त खाने को उपभोग करने के लिए बोलते हैं दांतों को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए दांत का जो नस होता है या बोल सकते हैं हमारे मसूड़े जो होते हैं, इनका पूरा कनेक्शन हमारे दिमाग और आँखों से होता है, इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति दांत निकालते हैं तो उन्हें साफ तौर पर एक बोल सकते हैं कई डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ता है, जिसमें एक ये भी रहता है कि यदि इस दौरान आपकी आंखों की रोशनी कम होती है या आपको किसी भी तरह का मेंटल प्रॉब्लम होता है तो इसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होगा। ये देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स में होता है, छोटे डॉक्टर जो झोला छाप होते हैं या फिर जो गली मोहल्ले चौक चौराहे में खोलते हैं उनको इतना फिक्र नहीं है और आपको बताएगा भी नहीं कि इसके होने से ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक ये है कि हमारे दांतों का और क्या उपयोग होता है। देखिए हमारे दांतों का सबसे बड़ा उपयोग है हमारे जबड़ों को बैलेंस करना। यदि हमारे दांत नहीं हो तो हम किसी भी तरह से अपने जबड़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। हमारा जितना भी बोल सकते हैं खाद्य कण है या फिर ऐसे भोजन जो थोड़े बोल सकते हैं कठोर होते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकेंगे। देखिए मनुष्य का जो दांत है ये इसका एक बोल सकते हैं अंतिम चक्र होता है, ये 45, 50 और 60 के बीच में टूटना शुरू कर देते हैं। यदि आपको अपने दांत मजबूत रखने हैं और अपने अंतिम काल तक दांतों को अर्थात जब तक जिंदा है तब तक इसको देखना चाहते हैं तो इन दांतों को रखने के लिए आपको कैल्शियम का उपयोग करना होगा। अब इसका लिमिट, बहुत कोई कैल्शियम अब बोल दिए तो बहुत कोई क्या करिएगा, अब चूना खाना शुरू कर दीजिएगा, नहीं, डॉक्टर से परामर्श लेकर आप ऐसे दवाइयों का उपयोग करें जो आपको एक लिमिटेशन मात्रा में लेना है और अपने दांतों को मजबूत करना है। देखिए हमारे दांतों में ये जो चार भाग में बटे हुए इनमें सबसे मजबूत दांत जो है वो मोलर होता है, क्योंकि यह अधिकतर केसेस में हमारे बॉडी के अंदर हमारे अंतिम समय में जब तक हम बूढ़े होते हैं तब तक भी पाया जाता है, इसलिए मोलर दांत जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब देखिए ये तो हो गया पूरा मनुष्य दांत के बारे में, अब हम लोग कुछ जानते हैं अन्य जीवों के बारे में। देखिए पक्षियों के मुँह में दांत नहीं होते हैं, इसलिए उनके बॉडी में खाने को ग्रहण करने के लिए चोंच बना होता है और ये चोंच भी सेम कैल्शियम का ही बना होता है, इसलिए पक्षियों का जो दांत का काम है वो उनके चोंच करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पृथ्वी में घोंघा एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में या बोल सकते हैं जिसके मुंह में 14,000 दांत होते हैं, ये विश्व का सबसे बोल सकते हैं अधिक दांतों वाला जीव है। उसके बाद एक ऐसा जीव जिसके पेट में दांत है, ये है केकड़ा। देखिए केकड़े के पेट में दांत होता है क्योंकि यह समुद्र में रहता है और समुद्र में जो भी चीज़ ये खाता है खास करके वहाँ अधिक मात्रा में क्या होता है कि पानी में नमक होता है, तो नमक को तो वो नहीं खा सकता है और जितना अधिक मात्रा में वो ऐसे जीव को खाता है जिसे पेट में ही उसको टुकड़े करके वहीं उससे उसका पाचन कर देता है। तो इस तरह जो होता है अन्य कई जीव हैं जिनके बॉडी में अलग अलग जगहों पर दांत होते हैं और उनका अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए एक अमेजिंग फैक्ट बता रहा हूँ, सर आइजैक न्यूटन को आप जानते होंगे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये जब मरे और इनकी मृत्यु के बाद इनके दांत को 1813 ईस्वी में लगभग $3,233 में बेचा गया। वर्तमान समय में इन दांतों का मूल्य $36,000 है और भारत रुपए में देखा जाए तो ये लगभग 22 लाख रुपए के करीब आता है। ये दांत की नीलामी लंदन में हुई थी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चर्चा में था। अब देखिए आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह मानव का दांत होता है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। आशा करते हैं इन सभी फैक्ट्स को जानकर के आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत अधिक ताकत मिलता है एक नई वीडियो को बनाने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।